ओ फाइनली गाइस, सुबह हो चुकी है, गर्मियों का दिन है। अबे ये सिंचैन का बच्चा कहाँ रह गया है? और यार गाइस, यहाँ की दीवार किसने तोड़ दी भाई? मुझे ऐसा लगता है कहीं रात के चोर वोर तो नहीं आए थे। मुझे पता है, तो ठीक है देखते हैं चॉप क्या कर रहा है, उठा कि नहीं। चॉप, अबे ओ चॉप। हाँ बोलो बोलो फ्रैंकलिन, क्या हुआ? अबे तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे फ्रैंकलिन, आज सुबह सुबह उठा तो पेड़ में देखा एक से एक फूल रंग बिरंगे खिले रहे, वही को देख रहे थे। तेरे पास काम ही क्या है? तो ठीक है यार गाइस, आपको हमारा नया घर कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आप लोग सोच रहे होगे सिंचैन आखिर सो कहाँ रहा है जो फ्रैंकलिन इतना परेशान है? तो यार गाइस, सिंचैन ने एक अपने खुद का रूम बनाया है ऊपर अपनी मेहनत से, और काफी अच्छा है। चलिए देखते हैं सिंचैन कर क्या रहा है, अभी उठा कि नहीं उठा। अरे यार, टीवी देखते देखते लाइट ही चली गई, पूरा मूड खराब हो गया। ठीक है देखता हूँ घर में कुछ बना बना है कि नहीं, खाना वाना। अरे यार 12 बज चुके हैं पर मम्मा ने अभी कुछ बनाया नहीं, आखिर मम्मा की तबीयत खराब है ना यार। गाइस चलो ठीक है, चलता हूँ फ्रैंकलिन के घर में, फ्रैंकलिन ने कुछ ना बनाया ही होगा अपने घर पे। चल चल भाई, ठीक है लिटिल सिंगम, चलता हूँ फ्रैंकलिन के घर। अरे ठीक है, फ्रैंकलिन के घर तो पहुंच गया, पर फ्रैंकलिन ने अपने घर में क्या नमूना गिरी करके रखा हुआ है? हाँ ये इतने बड़े बड़े, अबे यार अंदर तुझे दिखता नहीं है? सॉरी खैर, गलती तो मेरी ही थी, मैं भी पागलों की तरह फ्रैंकलिन के घर को देख रहा था। अबे फ्रैंकलिन ने अपने घर के नमूना गिरी क्यों बनाया है? चलो ठीक है, चल के पूछता हूँ अंदर ही लोगों से। अबे ओ फ्रैंकलिन, सिंचैन क्या कर रहा है अबे तुम लोग? अबे फ्रैंकलिन तू यहाँ पे खड़े होके क्या कर रहा है? और ये तेरे घर को क्या नमूना गिरी से तूने तैयार किया है? अबे कितनी आइसक्रीम खरीदा है आइसक्रीम का दीवार बनाने में? फ्रैंकलिन बोल रहा। अरे यार लिटिल सिंगल, तू इतना बड़ा बेवकूफ है क्या? इतनी बड़ी आइसक्रीम की डंडी हमारा की आइसक्रीम की डंडी की डिजाइन की है, बाकी ये दीवार मैंने खरीदी अपने पैसे की। बाकी छोड़, मैं जा रहा था सिंचैन को उठाने, तू भी चलेगा क्या? अरे हाँ हाँ ठीक है, देखता हूँ यही बने सिंचैन का रूम कैसा है, उसने बनाया है अपने हाथों से। हाँ चला जा मेरे साथ। चल ठीक है देखते हैं उसकी रूम की सीढ़ी धीरी है। अबे यार फ्रैंकलिन, मुझे एक बात थी समझ में आ रही, तुम लोग इतने बड़े बड़े बैनर्स क्यों लगा कर रखे हो अपने घर पे? क्या कोई इससे मुनाफा है क्या? अरे यार ये एक एड की तरह है, हम अपने घर पे इसे लगाए हैं, जिसका बैनर है वो हमें हर मंथली पैसे देता है। बाकी छोड़, चल सिंचैन रूम दिखाता हूँ। आज लिली सिंगम तुझे दिखाता हूँ सिंचैन का रूम। सिंचैन ने काफी अच्छा डेकोरेशन की अपने रूम की। गाइस आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ये रही विंडो, बेवकूफ सिंचैन जबरदस्ती का विंडो बना कर रखा है, क्योंकि इसके रूम में तो छत ही नहीं, वैसे भी ठंडा रहेगा। अरे वाह सिंचैन, तूने तो बहुत जबराट अपना रूम बनाया भाई, देख रहे हो यार गाइस कैसे फ्लावर सजा के रखा है, और ये सीनरीज तो देखो एक नंबर है, और यहाँ पे पेंटिंग तो देखो, अरे वाह, और ये देखो विंडो बना कर रखा है ताकि इधर से हवा आए, वैसे भी तुझे हवा की जरूरत क्या है सिंचैन? अबे उठना बे साले, उठ सिंचैन के बच्चे। अरे पागल हो गया क्या लिटिल सिंगम तू? अरे सिंचैन मुझे तेरा रूम बहुत पसंद आया, क्या तू मेरा भी घर ऐसे ही बनवा देगा? बोलना सिंचैन, बोल प्लीज। अरे हाँ बना दूंगा लिटिल सिंगम, तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? सच में क्या तुम्हें मेरा रूम बहुत पसंद आया? अरे हाँ देखना बेवकूफ, क्या कोई इस तरह अपना रूम बना सकता है? तूने तो वाकई पर छोटे बच्चों के नाम पर सुपर हीरो बन गया है, क्या रूम है यार। पर एक बात मुझे नहीं समझ में आया, ये दरवाजा तू यहाँ पे क्यों लगाया है सिंचैन? अले पागल, मैं दरवाजा क्यों लगाऊंगा, ये तो विंडो है ना, तू क्या देख रहा है? ये देख विंडो है ये। अरे पागल आ, तुझे दिखाता हूँ, यहाँ पे देख एक दरवाजा है ब्लैक कलर का। अच्छा ठीक है आकर देखता हूँ। अले ये दरवाजा तो मैंने नहीं लगाया यार दोस्तों, ये दरवाजा कैसे आ गया? अरे तू पागल है क्या अपने से लग जाएगा क्या? तूने ही लगाया होगा। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, ठीक है आके मैं भी देखता हूँ जरा सा। अबे हाँ यार सिंचैन, तूने तो ये दरवाजा नहीं लगाया था जब तूने कल मुझे ये घर दिखाया था, आखिर ये कैसा डोर है भाई? फ्लैंकी में मुझे ऐसा लगता है ये कोई सीक्रेट डोर तो नहीं है। अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ कि पीछे तरफ से दीवार तरफ से रास्ता है कि नहीं है। यार गाइस इधर तो कुछ भी नहीं है और उधर तो डोर शो हो रहा है, अगर सिंचैन डोर लगाता तो इधर रास्ता होता ना, पर इधर तो कोई रास्ता नहीं है और डोर इधर लगा हुआ है, कहीं ये सीक्रेट डोर तो नहीं है यार दोस्तों? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये डोरेमोन का एनीवेयर डोर हो, इसमें हम जाए और कोई दूसरी दुनिया पहुंच जाए। हले मुझे भी ऐसा लग रहा है फ्लैंकी भैया, क्या हमें इसके अंदर जाना चाहिए? अरे नहीं नहीं सिंचैन, जाना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि पता नहीं कहाँ हम पहुंच जाए, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, तो हमें इसके अंदर नहीं जाना चाहिए ठीक है ना। और तुम लोग फालतू काम मत करो, चलो फटाफट से आ जाओ, मैंने नाश्ते में पास्ता बनाया, आके फटाफट खा लो तुम सब, आ जाओ। अगर मैं सच बोलूं ना सिंचैन, ये तो मुझे बड़ा एक्साइटेड लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये डोरेमोन का एनीवेयर डोर है। चल चलते हैं शायद डोरेमोन के पास हम लोग पहुंच जाए, मजा आ जाएगी। अरे नहीं फ्लैंकी भैया, मना कर के गए हैं लिटिल सिंगम, हमें नहीं जाना चाहिए अंदर, कहीं हम मुसीबत में फंस गए तो। अरे बेवकूफ कैसी मुसीबत, कोई मुसीबत में नहीं फंसेंगे, चल चलते हैं, मैं तो जा रहा हूँ, तुझे आना है तो आ। अरे मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। अरे तुझे मेरी दोस्ती की कसम सिंचैन, चल दोनों लोग साथ में चलते हैं, प्लीज चलना सिंचैन, प्लीज 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 सिंचैन। अरे ठीक है चलता हूँ, पर फ्लैंकी भैया कहीं चिल्लाए ना, पर हाँ हम जल्दी
वहाँ से आ जाएंगे, ठीक है ना? अरे ठीक है जल्दी ही आ जाएंगे हम लोग, चल 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 जल्दी चलते, चल ठीक है मैं जाता हूँ। भले यार दोस्तों, लिटिल सिंघम तो चला गया, क्या मुझे जाना चाहिए? अगर मैं वहाँ कहीं फंस गया तो फ्रैंकी भैया तो मुझे बहुत डांटेंगे और मैं कभी बचकर वापस ना आ सका। पता नहीं ये कैसा दोल है, फिर भी मैं एक बार ट्राई करता हूँ। पर यार गाइस, जब मैंने ये घर अपने लिए बनाया था तो ऐसा कुछ भी मैंने डोर नहीं लगाया था, ये पक्का कोई सीक्रेट ही डोर है। ठीक है चलता हूँ मैं भी, लिटिल सिंघम को बचाना भी तो है, चलो। अरे यार लिटिल सिंघम, ये हम कहाँ पहुँच गए? अरे यार क्या बताऊँ, बहुत ठंड लग रही है लिटिल सिंघम। ऐसा लग रहा है क्या, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है का, यहाँ बहुत ठंड लग रही है यार। सिंचैन हमें पता होता है यहाँ इतनी ठंड है, हम तो कुछ ना कुछ पहन कर ही आते। बाप रे बाप, क्या होगा सिंचैन, अब हम वापस कैसे जाएंगे? अरे यार तेली वजह से फंस गए, पता नहीं फ्लैंकिंग भैया हम लोग को कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होंगे, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यार गाइस, मैं खाना तैयार कर लिया, बर्गर भी रेडी हो गया है, तो इन लोग को आवाज दे रहा हूँ, पता नहीं क्यों नहीं सुन रहा। अबे ओ सिंचैन के बच्चे, लिटिल सिंघम आ जा फटाफट से, मुझे पता है तू कुछ खाकर नहीं आया होगा, मैं तेरे लिए भी बना कर रखा हूँ, आ जा। यार गाइस ये लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? ठीक है मुझे लगता है ऊपर जाकर देखना चाहिए, कहीं ये लोगों ने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, कहीं ये लोग सीक्रेट डोर में तो नहीं चले गए। नहीं 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 यार। अबे यार सिंचैन, लिटिल सिंघम कहाँ यार भाई? देखो छुपन छुपाई प्लीज मत खेलो, जहाँ भी तुम लोग छुपे मुझे बता दो, क्योंकि मुझे बहुत घबराहट हो रही है ये खतरनाक ब्लैक डोर देख के, ये काफी खतरनाक डोर दिख रहा है। भाई प्लीज जहाँ पे भी हो फटाफट से बता दो यार। यार गाइस मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि सिंचैन कहीं इस ब्लैक डोर में चला तो नहीं गया लिटिल सिंघम, पर मैंने उसे मना किया था यार गाइस, उसे तो जाना नहीं चाहिए था, पर अगर वो गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, देख लेना। पर मैं अब कैसे जाऊं, क्या मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आखिर वहां चल क्या रहा होगा? अरे क्या कहें, चलो हम उतरते हैं, इस गांव वाले से पूछते हैं यहां से जाने का रास्ता कहां है, ये सब तो मुझे आधी मानो लग रहे हैं यार लिटिल सिंघम। अरे बाप रे बाप, मुझे बहुत ठंड लग रही है, ठंड बहुत लग रही है, मैं क्या करूं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। अरे चलो ठीक है आ जाओ नीचे, तुम्हारी ही गलती है, जब मैं मना कर रहा था मत चलो मत चलो तो तुम तो चले आए हो, चलो चलते हैं नीचे पूछते हैं। बाप रे बाप, यहाँ की ठंड कब जाएगी, कब आएगा हमारा मसीहा हमारी मदद करने। प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमारा मसीहा आए इस ठंड से हमें आजादी दिलाए, क्योंकि ये ठंड हमारी जान ले रही है एक एक करके। अगर हमने उस व्हाइट बीस्ट को पैसे नहीं दिए, कुछ सोने नहीं दिए, तो वो हमारे पूरे छोटे से गांव को खत्म कर देगी, प्लीज हमारी कोई हेल्प करो। चलो आ जाओ हम चलते हैं धीरे धीरे, यहाँ के लोग बहुत खतरनाक है मैंने सुना है, धीरे से कूदना ठीक है ना, आ जाओ तुम लिटिल सिंघम। हले ये कौन खले हैं? चलो ठीक है मुझे ठीक ठाक दिखते हैं, इनसे बात करते हैं। सुनिए सर, क्या हमारे लॉस एंटोस जाने का आप रास्ता जानते हैं? तुम कौन हो बेटा, क्या कहा तुमने, लॉस एंटोस से आए हो? अरे हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना, हम लॉस एंटोस से आए, अब चलो फटाफट से हमें बता दो कि हमें वापस कैसे जाना है, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत है, जरा और देर और रुके तो मर जाएंगे हम लोग, चलो जल्दी करो फटाफट से बताओ। अरे तुम हमारे लिए एक देवता बन के आए हो, प्लीज हमारी हेल्प करो, तुम जब तक हमारी हेल्प नहीं करोगे यहाँ से नहीं जा सकते हो, हमें कुछ सोने की जरूरत है, उस व्हाइट विच को देना है। व्हाइट विच कह रही थी अगर एक हफ्ते में तुमने मुझे कुछ सोने नहीं दिए, पैसे नहीं दिए, हमारे यहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, बीवियाँ हैं, सब डर से बहुत खौफ है, सब खौफ ज्यादा है और इस ठंड से बहुत परेशान है, हम लोग एक हफ्ते से कुछ खाए नहीं, क्योंकि इस ठंड की वजह से कोई कुछ काम ही नहीं कर रहा, प्लीज हमारी हेल्प करो। अगर तुम्हें अपने घर जाना है तो तुम्हें बैंक में चोरी करनी पड़ेगी और कुछ पैसे हमें लाने पड़ेंगे। अरे तुम पागल हो गए हो क्या, हम लोग चोरी क्यों करेंगे, तुम्हारा दिमाग खत्म हो गया है, हम चोरी वोरी नहीं करने वाले समझे ना। अरे अगर चोरी नहीं करोगे तो तुम्हारी भी प्रॉब्लम बनी रहेगी और मेरी भी, हम लोग भी मर जाएंगे और तुम लोग भी कभी अपने घर नहीं जा पाओगे, यहीं रहोगे और उस व्हाइट विच के हाथों मारे जाओगे। अरे ठीक है मैं चोरी करने के लिए तैयार हूँ, कितने पैसों की जरूरत है? यही कुछ 7 से 8 लाख रुपए और कुछ सोने। अरे बापले इतना तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, लिटिल सिंघम क्या करना चाहिए? अरे जैसे ये कह रहा है उस हिसाब से हमें चोरी कर लेनी चाहिए सिंचैन, हम लोग किसी मासूम की जानी तो बचा रहे हैं, चल फटाफट से चलते हैं बैंक चोरी करते हैं समझे ना, नहीं तो वो व्हाइट विच इन लोग के साथ साथ हम लोग को मार देगी, हम लोग भी नहीं निकल पाएंगे कभी यहाँ से। इसने सही कहा सिंचैन, अगर सबकी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें चोरी करनी पड़ेगी। अरे ठीक है मैं चोरी कर लूंगा, तुम्हारी भी जान बचाऊंगा, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे और पूरी फैमिली की भी और खुद की भी। ना जाने मेरे फ्लैंकिंग भैया क्या कर रहे होंगे, बहुत परेशान हो रहे होंगे। यार गाइस बहुत हो गया, अब मैं इस दरवाजे में घुसने वाला हूँ और देखता हूँ ये सीक्रेट डोर कहाँ लेकर मुझे भी जाता है, तो 1 2 3 गाइस मैं चलता हूँ फटाफट से। अबे ये क्या,
ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? अबे खुल दरवाजा। अबे ऐसे कैसे हो सकता है? खुल जा भाई, खुल दरवाजा। अबे खुला। अबे ये टूट भी नहीं रहा गाइस, मैं इसके अंदर जा भी नहीं पा रहा हूँ। इसका मतलब मैं अपने शिनचैन को बचा नहीं सकता। अब मैं क्या करूँ? ठीक है मैं नहीं जा सकता तो चॉप तो जा सकता है। मैं फटाफट से चॉप को बुलाता हूँ। अबे यार ये हाले चौले में जाके ऊपर से नीचे ही कूद गया। तो चॉप तू फूलों से खेल चुका हो ना, तो चल फटाफट से तुझे एक चीज दिखाना है। अरे क्या बात कर रहे हो फ्रैंकलिन, क्या काम है तुझे? अरे आजा तो तुझे एक चीज दिखाता हूँ। एक सीक्रेट डोर है जो काफी अच्छा मजेदार है। वहाँ पे शिनचैन और लिटिल सिंघम गए हुए हैं। चल तुझे दिखाता हूँ, तुझे भी जाना है। वहाँ पे काफी अच्छी जगह है, चॉकलेट की दुनिया है, आइसक्रीम है, रसगुल्ले हैं, बहुत तेरा फेवरेट चाउमीन है वहाँ पे बे। अरे तुम्हें क्यों रह गया पीछे, मैं भी चलता हूँ फ्रैंकलिन, चल मुझे ले चल। हाँ ठीक है चला जा, मैं तुझे लेकर चलता हूँ। यार गाइस मुझे चॉप से इसलिए झूठ बोलना पड़ा ताकि चॉप चला जाए वहाँ पे, नहीं तो यार गाइस चॉप कभी जाने वाला नहीं था क्योंकि वो सबसे बड़ा फट्टुआ। मैं तो जा नहीं पा रहा हूँ, शायद चॉप जाके उन लोग की जान बचा ले। अबे ओ चॉप के बच्चे कहाँ रह गया, चला जा फटाफट से, दिखाता हूँ मैं तुझे दरवाजा। आजा आजा जल्दी आ। आप उनको तो जाना है भाई उस सीक्रेट दरवाजे में, चलना चॉप चल भाई। अबे आप उधर से चलता है, ठीक है आजा। कहाँ है फ्रैंकलिन बता फटाफट से मेरे को, ये यही दरवाजा है क्या? अबे अपुन का मुंह टूट गया, तो यही दरवाजा है क्या फ्रैंकलिन? चल ठीक है अपुन चलता है, बाय बाय। अबे खुल क्यों नहीं रहा है यार गाइस, चॉप भी नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब ना चॉप जा सकता है, मैंने ये कोई एक साजिश है किसी की बनाई हुई जो शिनचैन और लिटिल सिंघम को बुलाना चाह रहा था, और मैं और चॉप को बिल्कुल नहीं। जब मैं और चॉप नहीं जा सकते हैं तो मानी सी बात है कोई भी नहीं जा सकता है। बेचारा लिटिल सिंघम और शिनचैन फंस चुके हैं। यार गाइस फटाफट से ओपी लिखो शिनचैन को ताकि ओपी अपनी जान बचाकर इस सीक्रेट डोर से वापस आ सके। ओए बिडू फ्रैंकलिन तू अपन को झूठ बोला, अपन को क्यों बोला आइसक्रीम चॉकलेट, वह तो खतरीली जगह है। अभी तू अपने मुंह से बोला मतलब तू अपन को मारना चाहता था। अरे नहीं चॉप में तुझे मारना नहीं चाहता था, मैं चाहता था तू वहाँ पे जाए और उन दोनों की मदद करे। अगर मैं तुझे बता देता हूँ वहाँ खतरा था तू कभी नहीं जाने वाला था। चल ठीक है अब क्या करे अपन लोग फ्रैंकलिन, वहाँ पे तो शिनचैन और लिटिल सिंघम खतरे में होंगे। हाँ ठीक है हम यही वेट करते हैं, और इसके सिवा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है चॉप, हम जा भी नहीं सकते। तो ठीक है हम ही बैठ के वेट करते हैं शिनचैन और लिटिल सिंघम का। पहले तो ठीक है अब हम चलते हैं, चलो चलते हैं लिटिल सिंघम फटाफट से। पहले हमें बताओ वो बैंक कहाँ है? हाँ ठीक है मैं तुम्हें बाहर तक के दिखा देता हूँ। वो बैंक में बहुत सी गार्ड सिक्योरिटी है, बस तुम उनके हाथ मत लगना नहीं तो वो तुम्हें सीधा फांसी देंगे। अरे बाप रे सीधा फांसी? हाँ बेटा सीधा फांसी, इसीलिए तो हम में से किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही, और हम लोग इतने दिन से भूखे प्यासे हैं, हम उस दरवाजे को तोड़ भी नहीं सकते हैं। और हमारी किताब में लिखा गया था कि लॉस एंटोस से कुछ बच्चे आएंगे जो तुम्हारी मदद करेंगे, और वो बच्चे शायद तुम ही हो, तो प्लीज बच्चे हमारी मदद करो। अरे ठीक है हम चलते हैं। यार गाइस हम लोग मौत के मुंह में जाने वाले हैं, अगर हम लोग ना गए मौत के मुंह में वो बैंक में चोरी करने तो वैसे भी हम लोग माले ही जाएंगे ना, इससे बेहतर है कोशिश करके मरो। तो ठीक है लिटिल सिंघम क्या तुम तैयार हो? अरे हाँ अब क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा ही ना शिनचैन, तू सही कह रहा था, इस दरवाजे के अंदर मत जाओ नहीं तो हम किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे और काफी परेशान हो जाएंगे। वही हुआ, अगर मैं तेरी बात को मान लेता तो आज शायद मैं ना फंसता। आई एम सॉरी शिनचैन। अरे कोई बात नहीं अब गलती हो गई तो हो गई, चलो फटाफट से हम लोग बैंक में चोरी करने जाते हैं। यार सोच के डर लग रहा है अगर हम पकड़े गए तो हमें फांसी दे दी जाएगी। अबे यार मतलब मौत चारों तरफ से है, अगर हम बैंक में चोरी नहीं करने जाते तो वो व्हाइट विच हमें मार देगी, और अगर हम लोग चोरी करने जाते तो पकड़े गए तो फांसी चढ़ा दिए जाएंगे। यार मेरे को तो बहुत टेंशन हो रही है शिनचैन, काश यहाँ पे फ्रैंकलिन होता वो मदद करता हम लोग की। अरे अब क्या करे फ्रैंकलिन भैया नहीं है तो अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, तो चलो ठीक है हमें ले चलो उस बैंक के पास। ठीक है बच्चों अब मैं यहाँ से चलता हूँ, यही बैंक है तुम्हें चोरी करनी है। अरे बाप रे ये बैंक तो काफी बड़ा है, हम कैसे ढूंढेंगे पैसे और सोने? यार गाइस मुझे तो बहुत डर लग रही है। अरे प्लीज मेरे साथ रहो ना, मुझे बहुत डर लग रही है, ये बैंक में घुसते ही बहुत खतरनाक जगह है, यहाँ पे तो काफी लोग होंगे, प्लीज तुम हमारे ही साथ रह जाओ। नहीं मैं जा रहा हूँ, व्हाइट विच को पता चल गया कि हम लोग वहाँ से गायब है, तुम्हारे जाएंगे। अरे बाप रे ये बुड्ढा कितना खतरनाक था, निकल लिया। चल ठीक है शिनचैन चुपे चुपे चलते हैं। सुनो दोस्तों फटाफट से हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में पार्ट टू लिखो ताकि आप आगे वीडियो में देख सके हम बैंक की चोरी कैसे करते हैं ना शिनचैन। चल ठीक है अब फटाफट से काम स्टार्ट करते हैं, आजा मेरे पीछे पीछे देखता हूँ कोई है तो नहीं। अरे बाप रे बाप शिनचैन के बच्चे जल्दी 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 वापस चल, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग है हम कैसे चोरी करेंगे। अरे घबराओ नहीं हमारी वीडियो वैसे भी यहाँ पे खत्म होने वाली है, दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करके कमेंट में बात तो जरूर लिखिएगा। ठीक है, आपने वाली वीडियो को यहाँ तक देखा इसके लिए शुक्रिया। बाकी वाली वीडियो यहाँ से खत्म होती है। अरे यार, सिंचैन फ्रैंकलिन कर क्या रहा होगा वहाँ पे? यार मैं खड़े खड़े यहाँ पे वेट करते करते थक चुका हूँ। पता नहीं सिंचैन कब आएगा, आखिर किस मुसीबत में होगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चौक, क्या तुझे कुछ समझ में आ रहा है? अरे अपुन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। फ्रैंकलिन अपुन क्या करे? अपुन भी तो नहीं जा सकता इसके अंदर, क्यों लक्की जाके मदद करे? यही तो प्रॉब्लम है यार, ये किसी की साजिश है। वो सिंचैन और लिटिल सिंघम को इसी बुलाना चाहते थे। उसे पता होगा कि मैं आऊंगा तो शायद उन लोगों का खात्मा कर दूं, वो लोग मेरे सिंचैन का कुछ बिगाड़ ना सके। पता नहीं यार दोस्तों, मेरा सिंचैन किस हाल में है। चलो ठीक है, कुछ टाइम वेट करता हूँ, नहीं तो इस दरवाजे को ही तोड़ डालता हूँ मैं।